टॉप एमपी जीके के 20 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये भाग 23 है। ऐसे प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक पनारपानी में स्थापित किया गया है। अब पनारपानी कौन से ज़िले में है, आप आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी आयुर्वेदिक विक्रय केंद्र कहाँ है। तो भाई मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी आयुर्वेदिक विक्रय केंद्र है भोपाल में। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। आसान सा प्रश्न है भाई, तो ओरछा में। रामायण कला संग्रहालय कहाँ, ओरछा में स्थापित किया गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संदेश का पुनः प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो मध्य प्रदेश संदेश का पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया वर्ष 2004 में। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर ज्ञानवाणी स्टेशन प्रारंभ किया गया है। इसका सही जवाब है कि इग्नू अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश में ज्ञानवाणी स्टेशन प्रारंभ किया गया है राजधानी भोपाल में। और एक प्रश्न हमने ऊपर देखा था कि संजीवनी आयुर्वेदिक विक्रय केंद्र कहाँ है, राजधानी भोपाल में ही। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन क्वालिटी किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑपरेशन क्वालिटी का संबंध जो है वो किससे है भाई, ये है प्रशिक्षण से। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह 2005 में कहाँ मनाया गया। तो पहली बार बाघ सप्ताह वर्ष 2005 में मनाया गया, ये प्रश्न भी बनता है। और ये कहाँ मनाया गया, तो ये वन विहार में मनाया गया। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश का पहला वेलोड्रोम स्थापित किया गया है भाई जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ बनाया गया है। तो पहला मोबाइल थाना भाई बनाया गया है देवास में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस नगर का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया गया है। तो मध्य प्रदेश के महू का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर किया गया है। प्रश्न है कि देश का वह राज्य जिसमें सरकारी खरीद में भी आरक्षण लागू किया गया है। तो सरकारी खरीद में भी आरक्षण लागू भाई मध्य प्रदेश में ही है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस ग्राम के सभी निवासी संस्कृत में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसा गांव जिसके सभी निवासी संस्कृत में बात करते हैं वो है भाई मोहद। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पैराडाइज किस से संबंधित है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑपरेशन पैराडाइज का संबंध भाई बाढ़ से है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के झाड़ू अभियान के प्रणेता रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाड़ू अभियान के प्रणेता रहे हैं विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न है कि भगवान रजनीश का जन्म कहाँ हुआ। तो भगवान रजनीश का जन्म जबलपुर में हुआ है। प्रश्न है निराला सृजन पीठ कहाँ स्थित है। निराला सृजन पीठ भाई भोपाल में स्थित है। प्रश्न है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है। तो भाई विक्रम विद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है। प्रश्न है कि वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक समरांगण सूत्र के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं भाई राजा भोज। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इस प्रश्न का जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे भाग 25 में। ओके, तो बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के एमपी जीके के टॉप प्रश्न देखने के लिए।